तुम्हारा नाम सूरज है और हाथ में गोदने में ओम लिखा है, तो तुम अपने माँ और बहन भाई को तलाश कर रहे हो बचपन से? हाँ, बचपन से ढूंढने की तलाश कर रहा। मिले नहीं अभी तक? अभी तक नहीं। बच्चों का बचपन में घूमना और वापस अपने परिवार से ना मिलना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में कुछ सौभाग्यशाली बच्चे ही अपने परिवार को वापस मिल पाते हैं। ऐसे ही किस्मत वाले बच्चों में से एक बच्चा है सूरज, जो मुझे आज से 8 साल पहले मिला था और मैं लगातार उसके परिवार की खोज कर रहा था कि मैं किसी प्रकार उससे मिला सकूं। और हम 3 जन निकले थे घर से। हम एक गार्डन में जाते थे, डेली जाया करते थे हम लोग गार्डन में। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत छोटा था, ट्रेन मैंने पकड़ नहीं पाया, ट्रेन की हॉर्न मैंने सुना नहीं और चली गई बहुत दूर तक। तब मैंने अपने दोस्त लोग को ध्यान दिया तो वो हाथ हिलाते रह गए और चले गए। उनको मैंने ढूंढने की खूब कोशिश करी, वो लोग चले गए। कटंगी से फिर मुझे एक आदमी मिल गया था, वो भी ब्राह्मण था, तो उसने मुझे पुलिस थाना ले गया। भूख लगी तो उसने मुझे नाश्ता वास्ता करवाया, बोले कि तेरे माँ बाप का पता लग जाएगा यहाँ पर। मैं वहाँ पर 3-4 दिन रहा, तो मुझे उधर से शासकीय सुधार से उन्हें भेज दिया था। पुलिस प्रशासन बाकी लोगों की उदासीनता के चलते बच्चा महज अपने घर से 500 किलोमीटर की दूरी से अंदर में ही था, क्योंकि दोनों शहरों में मेरा आना जाना था। जिस जगह वर्तमान में बच्चा रह रहा था और जहां उसका परिवार है, मैंने उसके घर परिवार को ढूंढा मिलाया। ठीक है, घर जाने खुशी हो रही? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। तो सनी, जब सूरज घुमा तुम साथ में थे? साथ में था। अच्छा, तो अभी कितने साल बाद मिले होगा? करीबन यही हो गया 10 साल। कैसा लग रहा है अपने भाई से मिलके 11 साल बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सूरज, आखिर में तुमको अपना परिवार मिल गया? हाँ सर। मैंने तो फिर कोशिश करी थी पर मुझसे नहीं मिला, पर आपने तो पता लगा। एक तरफ सूरज को खुशी है कि वो अपने परिवार से मिल गया, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न कि आखिर ऐसे कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो अपने परिवार से मिल पाते हैं, इसके लिए कोई विशेष कार्य योजना, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वीडियो वॉलंटियर के लिए मैं सरवत नकवी, रायपुर छत्तीसगढ़ से।